अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनजिर वकास और आज मैं आपको विज़िट कराने जा रहा हूँ सस्ता बाज़ार, जो कि डेली कभी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब कई इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, मंगल बाज़ार, और ऐसे ही पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं लगते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ दिखाया था कि वो सामान तैयार कर रहे थे उस बाज़ार के लिए। तो आज हमने उसी बाज़ार का विज़िट किया है और हम डिफरेंट स्टॉल्स का विज़िट करेंगे। तो उससे पहले कि आपको मैं वीडियो की तरफ लेके जाऊं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन बना हुआ है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, यहाँ मंगल बाजार लगा हुआ है तो उसकी तरफ जी। तो ये हम स्टॉल पे आ गए हैं, काशिफ भाई के स्टॉल पे, और उसके बाद हम मज़ीद दूसरे स्टॉल्स पे भी जाते हैं। ये आप देख लें स्टॉल लगे हुए हैं काफ़ी। तो सबसे पहले हम इनके स्टॉल पे आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी काशिफ भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक जी। तो आप ये स्टॉल लगा के बैठे हैं माशाल्लाह जी, क्या कुछ कोई कुछ बचता भी है या बस ऐसे ही बैठे रहते हैं सारा दिन? देखें सर, ये हमारा बेसिक मकसद तो है कि गांव के लोगों को अच्छी और मियारी चीज़ दी जाए और सस्ते दामों दी जाए। ठीक है, यहाँ पे गांव में जो दुकानदार हैं उनका रेट कुछ अप है जी। तो हमने ये सोचा कि हम ना शहर से सस्ता लेके हम मियारी चीज़ लेके आवाम को सस्ते दामों फरोख्त करें। चलें, फिर भी आपको कुछ चीज़ बचती है या ऐसे ही बैठे रहते हैं? नहीं नहीं जनाब, बचती है, क्यों नहीं बचती है। हम माशाल्लाह हमारी सेल हो जाती है, 1500-2000 रुपए हमें बच जाता है। 1500-2000 एक दिन जो एक, आप एक दिन लगाते हैं या आप दूसरे जगह जगह पर जाते हैं? नहीं, हम एक दिन लगाते हैं या हमारे गांव में लगाते हैं। आप तो इधर लगाते हैं और ये दूसरे बाज़ारों वाले जो हैं, मतलब कि जो स्टॉल्स वाले जी जी, ये सारे बाज़ारों में, शहरों में, हाँ, गांव में जाते हैं, गाय बगाय लगाते हैं। इनका काम ये है, ये प्रोफेशनल है। और आप सिर्फ गाँव के? जी जी, हम गाँव लेवल पे कर रहे हैं काम। माशाल्लाह अच्छा काम है जी। तो आपने जब ये पहली दफ़ा सारा सामान उठाया जी, तो कितने पैसों से आपने ये सारा सामान खरीदा? ये सर तकरीबन 25,000 का हमने खरीदा है सामान, टोटल सामान इसमें सब चीज़ें। जी जी, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी चीज़ें इसमें शामिल है। हाज़रीन, ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 25,000 रुपये में सब कुछ, सारा पैकिंग का मटेरियल भी सब कुछ इसमें मौजूद है। काशिफ साहब, लोगों को एक डाउट होता है कि ये काम जो है ये छोटा लेवल का कारोबार है, मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कारोबार नहीं कर सकते जी, या उनके स्टैंडर्ड का ये कारोबार नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी क्वालिफिकेशन BA है, ग्रेजुएट है माशाल्लाह। जी जी, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है कि या ये काम आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। काम मजदूरी जो भी है वो मजदूरी में मेहनत में अज़मत होती है, जो भी है मजदूरी आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जी पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ये काम नहीं करता, मैं घर पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है और इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा आप क्या काम कर रहे हैं रूटीन में? इसके अलावा हम सारे एक NGO चला रहे हैं गिलानी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। तो काशिफ भाई, इसके अलावा वैसे आप और कौन सा काम करते हैं, आप NGO के और इस काम के अलावा? जी सर, इसके अलावा हमारा काम है फोटो स्टेट का, यानी कि हमने दफ्तर में फ़ोटो कापी मशीन रखी हुई है, उसका हमारा काम है। और स्कूलों के सारे हमारे कॉन्टैक्ट हैं, वो हमें काम देते हैं और हम करते हैं काम और उन्हें यानी कि स्कूल में पहुँचा के आते हैं। अब हम इस कारोबार की बात करें, फिर किसी दिन आपके उस कारोबार का भी इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह। जी जी, तो इस कारोबार के बारे में आप लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे अगर कोई ये कारोबार करना चाहे तो? जी मैं तो यही बरादराना मशवरा है सब भाइयों को, जो भी कोई बेरोज़गार है उन्हें ये काम ज़रूर करना चाहिए और इसमें बहुत प्रॉफिट है। अक्सर लोगों का मुझे ये क्वेश्चन आया है कि एक ही जो चीज़ है उसके 2-3 स्टॉल लगे हुए हैं, तो हम वहाँ कैसे स्टॉल लगाएं? आप यहाँ अक्सर बाज़ार लगाते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ कपड़े वाले काफ़ी बैठे हुए हैं, बर्तनों वाले काफ़ी बैठे हुए हैं, तो क्या आपके ख्याल में कोई इससे नुकसान होता है दूसरे स्टॉल वाले का या नहीं होता? जी ये हमारी बिल्कुल गलत सोच है कि यार उसने स्टॉल लगा लिया तो मेरा काम बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जो आपके नसीब का है वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट है कि यार उस भाई ने दुकान लगा ली तो मैंने लगा ली तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा, ये गलत बात है।
चलो ठीक हो गया, थैंक यू काशिफ साहब। अभी हम चलते हैं यहाँ किसी और के पास, यहाँ कपड़े वाले बैठे हैं और स्टेशनरी भी लगाई हुई है एक दोस्त ने। जी जी और देखते हैं हम अभी किसके और पास चलते हैं, चलिए सामने।